मैम क्या कहना चाहेंगे आज बजट के बारे में? बजट इतना लंबा, 2.5 घंटे की इतनी लंबी स्पीच, खुद माननीय वित्त मंत्री जी को दिक्कत हो गई, तो वैसे ठीक है, मैंने पूछा भी उनसे, लेकिन इतनी लंबी स्पीच में निकला तो कुछ नहीं देशवासियों के लिए। कृषि क्षेत्र की बात कही गई, फिर वही पुराना राग आलाप आ गया कि हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। कैसे करेंगे उसका कोई फॉर्मूला इनके पास नहीं है। जीडीपी ग्रोथ, ये तो लोग हंसेंगे। आप कह रहे हैं इस साल में 10% कर देंगे, हास्यास्पद बात है, तथ्यों से बिल्कुल विपरीत। दिल्ली इलेक्शन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली इलेक्शन के लिए इन्होंने कोशिश की है, लेकिन आप बताएं कि जमुना जी की बात आप वहाँ पर करते हैं, लेकिन बजट में आपने जमुना जी को साफ करने के लिए क्या कहा? कुछ भी नहीं कहा। दिल्ली वासियों के लिए आपने क्या दिया है? कुछ भी नहीं दिया है। दिल्ली वासियों क्या, देशवासियों के लिए आपने, और जो गरीब से गरीब व्यक्ति है उसके हाथ में आपने उसके हाथ से छीना है, दिया कुछ नहीं है। महंगाई आसमान को छू रही है और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज़्यादा है आज के दिन, उसको आप कुछ नहीं कह पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं।